तो बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, 4 बजे के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज आखिरी दिन है और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 4 बजे के लिए। तो प्रदेश के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है 4 बजे के लिए, ये कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो 4 बजे तक अब ये कार्यवाही स्थगित रहेगी, विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और कार्यवाही को स्थगित किया गया है, 4 बजे तक ये कार्यवाही स्थगित रहेगी। तो 4 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है, प्रदेश के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन और कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज का नू हिंसा को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नू मामले में हम इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान एंगल से भी जांच कर रहे हैं, हमने 510 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे जो बातें सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। पुलिस ने मामन खान को 30 अगस्त को बुलाया है, कई दूसरे कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि 29 से 30 जुलाई को मामन खान वहां गया था जहां हिंसा हुई, मामन खान उस हिंसा के लिए लाइव कॉन्टैक्ट में भी थे। अभी तक की जांच है नहीं, वो देखिए नो मामले में पहले भी इस एंगल से हम जांच कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से ये सारे वीडियोस दिखाए गए और सारा किया गया, तो उस एंगल को हम पहले जांच कर रहे हैं। अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने FIR दर्ज की। हरियाणा विधानसभा सत्र में आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लेह लद्दाख में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई है। बता दें कि बीते दिनों हरियाणा के 5 जवान लेह लद्दाख सड़क हादसे में शहीद हो गए थे और इस घटना से पूरे प्रदेश में मातम छाया रहा। वहीं शहीदों के आश्रितों को मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में मांग की है। हरियाणा गवर्नमेंट भी आगे बढ़े, 1-1 करोड़ दे और नौकरी दे। हमारे जवान ऑन ड्यूटी गुजर गए गड्ढे में गिरने से, पंजाब गवर्नमेंट ने तो 1-1 करोड़ दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने उसके नजर उन्होंने सबने 1-1 करोड़ दिया है और उसके बच्चे को नौकरी देने की आश्वासन दिया उनको। तो मेरा ये है कि हरियाणा हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में 29 तारीख की दोपहर 12 बजे से 30 तारीख की रात 12 बजे तक फ्री सफर कर सकेंगे। बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर बैठी हुई महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा सरकार के इस फैसले का वे स्वागत करती हैं। जो महिलाएं अपने घरों तक नहीं पहुंच पाती हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार हर बार रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर का तोहफा देती हैं, जिससे महिलाएं समय पर अपने घर अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंच पाती हैं। वहीं महिलाओं ने हरियाणा सरकार का इस फैसले को लेकर धन्यवाद दिया। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, हरियाणा सरकार हर बार राखी के त्यौहार पर बहनों के लिए फ्री बस सेवा जो उपलब्ध करवाते हैं, ये बड़ा ही अच्छा काम जी, खूब फायदा होगा और औरतें खूब बाहर निकलेंगी। सरकार के द्वारा राखी के उपलक्ष्य में 29 से लेके 29 तारीख दोपहर 12 बजे के बाद महिलाओं को और 15 साल के बच्चे को जो है फ्री किया गया है, और ये सुविधा जो है
महिलाओं के लिए 30 तारीख को रात को 12 बजे तक रहेगी। बसों की संख्या? नहीं, हमारे पास 140 बसें हैं, 140 में से हमारी 25 बसें गई हैं फोर्स के लिए, तो हमारी जो 115 गाड़ियां हैं 115 में से हमारी कोशिश रहेगी कि 115 की 15 जो है रूट पर जाए। रक्षाबंधन का त्यौहार बहन भाई का त्यौहार है और बड़े उल्लास के साथ इस रक्षाबंधन को मनाया जाता है और हरियाणा सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने कि रक्षाबंधन पर बहनों के लिए फ्री सेवा रखी है और 29 से लेकर 30 की रात तक बहन जा भी सकती, बहन आ भी सकती है और 15 साल का बच्चा हो वो भी साथ जा सकता है। अच्छा मान रहे हैं भैया, बहुत सही है लेडीज के लिए, तो ये सुविधा अच्छी होनी चाहिए ताकि भी अपने भाइयों के राखी बांध सके, अच्छे समय पे जा सके। दिल्ली के द्वारका में हरियाणवी एक्टर, सोशल मीडिया स्टार और फेमस मेकअप आर्टिस्ट निशा लांबा की गाड़ी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। दिन में अपने गाने की खुशियों में खोई हुई स्टार निशा लांबा की रात दुख में बदल गई। बता दें कि निशा लांबा के सोशल मीडिया पर 12 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वहीं निशा लांबा का कहना है कि दो दिन पहले निशा लांबा का तौबा तौबा गाना रिलीज हुआ था, जिसके बाद निशा अपनी टीम के साथ गाने की रिलीजिंग के बाद खुशियां मना रही थी और गाने का प्रमोशन करके रात को अपने घर वापस लौट रही थी। उसी दौरान निशा लांबा की गाड़ी पर हमला हो गया। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने निशा की गाड़ी पर पत्थरों से हमला कर दिया। गाड़ी का शीशा बुरी तरह टूट गया और कांच गाड़ी के अंदर जा गिरे। गनीमत रही कि निशा लांबा को कोई बड़ी चोट नहीं आई। मुझे घबराहट हुई कि ऐसा मेरे साथ एकदम से कैसे हुआ, किसने मेरे साथ किया, किसको मेरे गाने से या मेरी पर्सनैलिटी से इतनी प्रॉब्लम है कि वो मुझे मारना चाहता है, मेरे ऊपर हमला करना चाहता है। भिवानी के विद्यानगर में आज दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। एक पिता ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी 8 वर्षीय बेटी की पहले गला रेतकर हत्या कर दी, बाद में खुद भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक पवन कुमार, जो कि वेल्डिंग का काम करता था, उसने पहले अपनी बेटी रिया की गला काटकर हत्या कर दी, उसके बाद फांसी लगा ली। उसकी जेब से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट के अनुसार पवन का काम सही नहीं चल रहा था और खर्चे ज्यादा हो रहे थे। उसकी पत्नी भी घर नहीं थी। पवन को डर था कि अगर वह अकेले ही मर गया तो उसकी बेटी का भविष्य कैसा होगा। उसने पहले बेटी की गला रेतकर हत्या की और फिर बाद में खुद ही फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेज दिया है। हमारी सब्जी मंडी से सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है और एक छोटी बच्ची की गला काटकर हत्या हुई है। तो इस सूचना पर हमारा चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर आए। उन्होंने देखा कि एक बच्ची फांसी लगाई हुई है और एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-10 साल के करीब है, उसका गला कटा हुआ है किसी धारदार हथियार से। और इस सूचना पर मैं भी मौके पर आया हूँ। हमने अफसरान वाला भी यहाँ पर सीनियर क्राइम टीम को भी बुलाया है। पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पिकअप गाड़ी के साथ चालक को मौके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक अपराध जांच शाखा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 130 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बता दें कि आरोपी पंजाब से शराब लाकर कानपुर में बेचने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश अनुसार सीआईए पलवल ने नाकाबंदी के दौरान मुखबरी पर एक हाथी नुमा एक व्हीकल में 130 पेटी शराब बरामद की और जिसको नीटू नाम का व्यक्ति पंजाब से लेकर कानपुर के लिए ले जा रहा था और जिनको यहाँ टेम्पी टूर से
भागते हुए काबू किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यमुनानगर के गांव चाहड़ू में बनी कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन पावर लिफ्टिंग और उच्च प्रदर्शन कोचिंग संस्थान अकादमी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले खेलों के नाम पर देश में कोई सुविधा नहीं थी। खिलाड़ियों को मेडल के लिए बिना सुविधाओं के ही मेहनत करनी पड़ती थी, यहां तक कि ट्रेन में भी उनका टिकट नहीं मिलता था। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाओं की कमी नहीं है। खेलों का बजट भी केंद्र सरकार ने 864 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया है। देखिए, खेलो इंडिया अकेडमीज हो, एक्रेडिटेड अकेडमीज हो, जब पूर्व खिलाड़ी अकेडमी खोलते हैं, चाहे अंजू बाबू जॉर्ज हो, पीटी उषा हो, कर्णम मल्लेश्वरी जी हो, गोपी चंद हो, अन्य खिलाड़ी जिन्होंने खोली है, ये हमें योगेश्वर की भी अकेडमी खोल रही है, तो ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान वापिस हो सकता है खेलों के प्रति। इन्होंने जो खुद हासिल किया, खुद जो गुर सीखे बाकियों को सिखाएंगे, खुद जो कमियां रही वो दूसरों को ना हो तो उसको ज्ञान देंगे। मुझे लगता है खिलाड़ी का वापस खेल के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन करना एक बहुत बड़ी सौगात है, उस दिशा में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने कदम उठाया है। हिंदुस्तान का सबसे पहले वेटलिफ्टिंग सेंटर है जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज के साथ हमने यहाँ बनाई है। आज यहाँ हमारे केंद्रीय जी आ रहे हैं किसी फैसिलिटी को इनोग्रेट करने के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी भी अराउंड 50 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ बोर्डिंग में हैं, कोई डे बोर्डिंग में है। और हमारा विजन यही है कि भाई सारे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई भी गरीब बच्चा है, वो एक सपना देखता है कि उसको वेटलिफ्टिंग में करियर बनानी है एंड मेडल लेना है, तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और कभी भी आ सकते हैं, हमारे सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज यूज करके नेशनल इंटरनेशनल मेडल लेके हमारा देश का गौरव आगे बढ़ा सकते हैं। तो शाम में नए एसडीएम हरवीर सिंह ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे भिवानी सीटीएम पद से तबादला होकर तो शाम आए हैं। तो शाम के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट का यहां से सफीदों में स्थानांतरण हो गया है। तो शाम उपमंडल का कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम हरवीर सिंह ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों का परिचय लिया और उनको जनसेवाओं से संबंधित फाइलें समय पर निपटाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। एसडीएम हरबीर सिंह ने कहा कि सबसे पहले वे क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, खास तौर पर इन्हें तय सीमा में पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करेंगे ताकि विकास कार्यों की गति तेज हो सके। उन्होंने कहा कि कस्बे तो शाम व ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर अधिकारियों से नई योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्हें सिरे चढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी। आज मैंने एक औचक निरीक्षण की तरह पहली बार आज कार्यालय का निरीक्षण किया है। इसमें कौन से ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज में कितने कर्मचारी हैं, क्या वो वहाँ पर अपनी सीटों पर बैठे हैं, यानी उसमें पब्लिक आई है, यानी पब्लिक की क्या समस्या है, पब्लिक का काम समय से हो रहा है, ये सब देखा है। और जहाँ पर भी मुझे लगा कि पब्लिक को समस्या आई है या फिर रिकॉर्ड व्यवस्थित नहीं है या फिर कोई और कामों की पेंडेंसी है, तो उसमें मैंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। समय समय पर ऐसा निरीक्षण हम करते हैं। नूह में अभिषेक शोभा यात्रा के लिए सोमवार को हिंदू संगठनों ने से जुड़े 51 लोगों को अनुमति दी गई। नरहेश्वर शिव मंदिर से यात्रा करीब सुबह 11 बजे शुरू हुई और उसके बाद यात्रा फिरोजपुर झिरका शहर के झिरकेश्वर मंदिर पहुंची। इसके बाद यात्रा नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दोपहर बाद तक समाप्ति हुई। आपको बता दें कि इस यात्रा में शामिल अधिकतर लोगों को बस में बैठकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर ले जाया गया। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने की। हम
जो जलाभिषेक यात्रा है, यात्रा तो उस तरह से नहीं हो रही पर जलाभिषेक होना है, ये जो अपनी ब्रजमंडल की यात्रा वो उस तरह से नहीं होगी, लेकिन उसकी जो औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। और मेरा ये कहना है कि कोई भी कार्य हो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।